बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर बाइक स्पेशलिस्ट चैनल। दोस्तों, ये दो प्लेटें हमने लगाई थी, तकरीबन हमें एक महीना हो गया है लगाए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस पर वीडियोज़ बना दूँ। और इसके जो रेट, जैसे आज कल प्लेटों के काफ़ी ज़्यादा धूम मची हुई है कि रेट काफ़ी कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये असल हकीकत क्या है इस पर आज हम आपको बताएंगे। और आज ये डीसी सिस्टम के मतलब बताएंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जो एसी सिस्टम है जिसमें बड़ा 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, इंशाल्लाह ऐसे ही आने वाले दिनों में इस पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज इस पर करते हैं बात। दोस्तों, ये मैंने प्लेट ली थी तकरीबन एक महीना, ये तकरीबन रमज़ान की बात है, आज से तकरीबन एक महीना सवा महीना पहले की बात है। तो उस वक्त ये प्लेट मुझे मिली थी 16,500 रुपये में, एक प्लेट 280 वाट की है दोस्तों, 280 वाट की एक प्लेट है। दो प्लेटें लगाई हैं और ये 12 वोल्ट में होती है, और जो इसकी जो अम्पेयर होते हैं वो तकरीबन कम से कम 11 से 12 अम्पेयर की एक प्लेट होती है। तो दोस्तों, उस वक्त हमें मिली थी 16,500 रुपये की एक प्लेट एक महीना पहले, तो जो आज इसकी कीमत है 12,500 रुपये, तकरीबन 4,000 रुपये इस एक प्लेट में फ़र्क पड़ा है। लेकिन आपको ये वाजे बताता चलूँ कि सिर्फ प्लेट के रेट में ही कमी पेशी आ रही है, जो इसकी जो फिटिंग वगैरह है, ये फ्रेम वगैरह है, जो तारें वगैरह जो लगती हैं इसमें, जो कंट्रोलर वगैरह, इन्वर्टर वगैरह है, बैटरी है, उसकी कीमत बिल्कुल नहीं कम हुई, बल्कि उसकी कीमत ज़रा ज़्यादा ही है। तो इसीलिए हमने इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो डीसी सिस्टम तैयार किया, अभी इसका इंशाल्लाह आपको बताते हैं प्रॉपर के नीचे क्या क्या चीज़ें चला रहे हैं, क्या क्या इस पर चल रहा है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है और ये तकरीबन 24 घंटे चलेगा। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं नीचे, चलते हैं वहाँ भी आपको जाके दिखाते हैं कि इस पर क्या क्या चीज़ें चला रही हैं, मुकम्मल तफसील के साथ नीचे वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों, प्लेट्स के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ स्मार्ट बैटरी चार्जर इसकी। तो ये दोस्तों PWM, यहाँ देखिए PWM स्मार्ट बैटरी चार्जर है, 50 एम्पेयर में 12, 24, 48 ऑटो में है। ये हमें मिला है 3500 रुपये में दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले इसकी जो बैटरी की तारें हैं वो आपने लगानी है जब भी लगाओ। तो उसके बाद दोस्तों, इसकी जो सोलर वाली तारें हैं दोस्तों वो लगानी है, ये नीचे वाली, ये सोलर के बैटरी से जब बैटरी वाली तार लगा दो, तो ये जब ओपन हो जाए तो उसके बाद आपने सोलर वाली तार लगाना है। यहाँ पर ये सोलर का ऑप्शन बना हो, और यहाँ से आउटपुट का लोड लेना है, जितनी भी चीज़ें लाइटें पंखे वगैरह भी आपको चला दिखाते हैं चला। तो यहाँ पर ये देखें, अभी एक पंखा चल रहा है हमारा, वो 4 एम्पेयर का है, तो ये यहाँ पर एम्पेयर दे रहा है और 13 वोल्ट बैटरी चार्ज है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी दो प्लेटें, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया 280 वाट की, तो अभी इतना टाइम ही नहीं हुआ, तो इस वजह से अभी ये 16 एम्पेयर दिखा रहा है, और ये नीचे बैटरी की परसेंटेज बता रहा है, 86% चार्जर है, और टाइम वगैरह मुकम्मल इसकी, इसके मतलब मुकम्मल तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम कर लेते हैं बैटरी पर बात। तो ये हमने 200 वाली बैटरी रखी है डीप सेल में, बहुत ज़बरदस्त बैटरी है। तो ये आपको मिलेगी 38,500 में, 1300 पावर वाली बैटरी है दोस्तों, 38,500 रुपये में ये आपको मिलेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी चलते हैं कमरे में। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये एक लाइट लगी हुई है, ये 1 एम्पेयर की लाइट है दोस्तों, सिर्फ 1 एम्पेयर लेती है डीसी में। तो उसके बाद अभी पंखा चलाते हैं आपको, तो वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमने लगाया हुआ है एसी डीसी इंडक्स कंपनी का, तो ये हमें मिला है दोस्तों 2800 रुपये में। जो पीछे हमने लाइट दिखाई है आपको दोस्तों, वो हमें 150 रुपये में एक लाइट मिली है। इसी तरह की हमने तकरीबन 3 कमरों में, किचन में, वाशरूम वगैरह में इसी तरह की लाइटें लगाई हैं, और ये फ़ैन दोस्तों तकरीबन हमें मिला है 2800 रुपये में। तो अभी इसको भी, तो यहाँ दोस्तों पहले ये आपको बता दें कि यह देखो बिल्कुल वापटा से हम लोड लेते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वापटा बंद की हुई है। तो हम जो पंखे वगैरह, लाइटें वगैरह, वो डीसी सिस्टम से ही चालू कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, ये हमारा दूसरा रूम आ गया, तो यहाँ भी हमने एक एसी डीसी फैन लगाया हुआ है, ये भी इंडेक्स कंपनी का है दोस्तों, इसकी भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा स्पीड है। और दोस्तों, साथ में ये बताता चलूँ आपको कि जो पंखों को हमने तार लगाई है वो दोस्तों 4 mm की 76110 तार आपको मिलेगी, 76110 वो लगानी है, वो वाली तार हमने लगाई है।
काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़बरदस्त इसकी स्पीड है। यहाँ रिमोट से हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो प्लेट्स, जो सोलर प्लेट्स है, सोलर प्लेट से जो तार नीचे आती है कंट्रोलर के पास, वो हमने लगानी है कम से कम 6 mm या 8 mm, उससे कम आपने तार नहीं लगानी। तो दोस्तों अभी पंखा को करते हैं बंद। और यहाँ पर जो हमारी दूसरी इसी कमरे में जो मैं बता रहा था 1 ampere की लाइट है, रोशनी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ हमने एक कमरे में ये लगाई है, और बाहर अभी चलते हैं बरामदे में, आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ बरामदे में ये एक लाइट लगाई है, इसकी भी काफ़ी अच्छी रोशनी है। ये भी दोस्तों 1 ampere की लाइट। तो अभी इस कमरे में जो पंखे वगैरह लगे हुए हैं वो दिखाते हैं आपको दोस्तों। सॉरी, ये बरामदे का पंखा लगा हुआ, ये भी AC DC फैन है दोस्तों, इसकी भी काफ़ी अच्छी, मतलब कि ये 3 पंखे एक टाइम में, दिन में भी रात में भी बहुत ज़बरदस्त चलते हैं। ये 8800 रुपये का एक पंखा मिला है हमें, छत वाला जो सा है, डस्ट कंपनी का। उसके बाद दोस्तों ये खुर्शीद कंपनी का ये फ़ैन लेकर आए हम। ये दोस्तों आपको मिलेगा 13800 में। तो ये भी AC DC फ़ैन है दोस्तों, जैसे अभी ये बैटरी पर चल रहा है, तो ये देखिए इसका जो AC वाला प्लग है वो उतरा हुआ है, तो अभी ये बैटरी पर चल रहा है। यहाँ पर ये देखिए चेक करें, इसकी जो AC वाली तारें वो उतारी हुई हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ बैटरी से हमने कनेक्शन इसका लिया हुआ है, और ये कंट्रोलर से लिया हुआ है कनेक्शन। तो कंट्रोलर से चला रहे हैं इसको, तो यहाँ से जो आउटपुट की तारें हैं वहाँ से इसका जो लोड है वो लिया हुआ है। तो अभी इस पर 4 पंखे एक टाइम चल रहे हैं, 3 कमरों के, 2 कमरों के, 1 बरामदे के, और ये दूसरा। तो आप सब दोस्तों गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।